सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम खेल रहे हैं 911 कैनिबल। बचाओ रे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस गेम का छोटा सा स्टोरी जान लेते हैं ताकि वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो गाइस, ये कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक कैनिबल की है, जो कि भाई यार इंसानों को काट कर खा जाता है। और मैं आपको बता दूं, अभी पूरे शहर के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि शहर के सारे बच्चे एक एक करके गायब हो रहे हैं। और जिनके घर से बच्चे गायब हुए हैं, वो कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं 911 पे। वे लोग बहुत डरे हुए हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। ये सब छोड़ो गाइस, इससे भी बहुत बड़ी बुरी खबर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कल जब मैं रास्ते से आ रहा था, तो मुझे एक फ्रैंक नाम के बंदे ने लिफ्ट दिया। मुझे उसके गाड़ी में ठंड लग रही थी, तो उसने मुझे चाय पीने को दिया। और जैसे ही मैंने चाय पिया, मुझे चक्कर आने लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली, तो गाइस मैं देखता हूँ कि मैं एक पिंजरे में बंद हूँ। अरे ये तो वही जगह है गाइस, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जिस कैनिबल से लोग डरे हुए हैं वो यहीं रहता है। मतलब मैं किडनैप हो गया हूँ, बचाओ रे। उसका अगला खाना मैं बनने वाला हूँ। उसके खाना खत्म होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ओके गाइस, करेक्टर से बाहर निकलते हैं और यहाँ से एस्केप कैसे करना है भाई, वो सोचते हैं। इस गेट में एक ताला लगा हुआ है, उसे ओपन करने के लिए हमें चाबी चाहिए या फिर तोड़ने के लिए कोई मजबूत चीज। ढूंढो गाइस, ढूंढो, कुछ तो यहाँ पर होगा जिससे हम ताले को ओपन कर सकते हैं। यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ताले को ओपन कैसे करूं भाई, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कुछ है क्या गाइस, काला काला अलग सा दिखाई दे रहा है। नहीं भाई यार, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर है एक लकड़ी का बॉक्स, ओ भाई ये तो ओपन हो गया। यहाँ कुछ तो है गाइस, हमें और लकड़ी तोड़ने होंगे इसके। निकल जा भैया। ओ गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ है व्हाइट कलर का, ये तो लॉक पिक है गाइस, इससे हम जरूर ताले को ओपन कर सकते हैं। चलो ओपन करते हैं। और ये हमने ले लिया लॉक पिक, खुल जा सिम सिम, ओ भाई मजा आ गया। बट यार अभी हम बस इस छोटे से केज से बाहर निकले हैं, अभी तो भाई यार पूरे घर से बाहर निकलना है। गाइस यहाँ पर खून है, मतलब राक्षस किसी को खाने के लिए यहाँ से ले गया है। अरे यार चाबी भी नीचे गिर गया भाई, वो इस रूम का चाबी हो सकता है। अब हम कैसे निकालें उसे, हम अपना हाथ इसमें नहीं डाल सकते भाई, ये हमारे हाथों के लिए खतरा है। यहाँ से चाबी निकालने के लिए कोई तो रास्ता होगा गाइस, हमें आसपास देखना चाहिए कुछ मिलता है या नहीं। हमें जो भी करना है जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर मॉन्स्टर का खाना खत्म हो गया ना भाई, तो वो हमें ही खाएगा। ये क्या है, चलो इसे घुमा कर देखते हैं, शायद अपना चाबी निकल जाए। ओ भाई यार यहाँ से तो पानी निकल रहा है भाई, ये तो बहुत साउंड कर रहा है, जल्दी से इसे बंद कर देते हैं वरना कैनिबल आ जाएगा। ओके हमने इसे बंद कर दिया, अभी बिल्कुल शांति है। यहाँ पर देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं, ये तो खाली है। और भाई यहाँ पर हमें एक मिल गया है कैंची, और यहाँ भी कुछ है क्या। नहीं 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 भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये रहा आखिरी। चलो इसे ओपन करके देखते हैं। ओ भाई ये क्या है, ये तो कोई न्यूज़पेपर लगता है, ग्रीन वुड। गाइस देखो, इसे पढ़कर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भाई यार ये यहीं के बारे में है। जो भी किडनैपिंग वगैरह हो रहा है, कैनिबल आया है शहर में, वही सब है इसमें, ठीक ना। और भी कुछ कुछ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं करता हूँ गेम को कंटिन्यू। तो हम कहाँ पर थे, ओ हाँ अच्छा, अपना चाबी गिर गया है केमिकल में, हमें उसे वहाँ से बाहर निकालना है। यहाँ से अपने को एक सूखा कपड़ा मिला है, और देखते हैं भाई यहाँ पर हमें और कुछ मिलता है या नहीं। ओके ओके, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है शायद, यहाँ पर भी कुछ है गाइस नीचे साइड, इसे निकाल कर देखते हैं क्या है। ओ भाई ये तो रबर ग्लोव्स है। ओके गाइस आगे देखते हैं और क्या है भाई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉकर भी है, बट यार इसका पासवर्ड हमें पता नहीं है। इसे ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले पासवर्ड पता करना होगा। तो अभी इसके साथ खेलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है, तो हम इसे बाद में देखेंगे। गाइस यहाँ देखो, ये कोई हैंडल है, इसे हम ऊपर उठा सकते हैं, बट यार यहाँ पर कोई पावर नहीं है, हमें पावर सप्लाई करना होगा गाइस सबसे पहले। यार हम तो ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, यहाँ से तो हमें खजाना मिल जाएगा ऐसा लग रहा है भाई। अभी अपने को पासवर्ड भी ढूंढना है और चाबी को भी वहाँ से बाहर निकालना है। और क्या था गाइस, वो हाँ हैंडल को ऊपर उठाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अरे यार ये भी लॉक है गाइस, हम रबर ग्लव्स पहन के शायद यहाँ से चाबी निकाल सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं, ठीक ना। ओ भाई ये तो सच में काम कर गया गाइस, अपने को की मिल गया। चलो यहाँ पर शायद एक टूल केस है, उसे ओपन करते हैं, इस की से शायद ओपन हो जाएगा। और अगर ओपन नहीं हुआ तो गाइस हम ताले को ओपन करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो ओपन जरूर होगा। टेंशन नहीं लेने का गाइस, क्योंकि अपने को चाबी मिल गया है, अभी बहुत सारे राज खुलेंगे। ये देखो गाइस, अपने को यहाँ से एक मेटल काटने का सामान भी मिल गया है, क्या हम इससे लॉकर को काट सकते हैं। नहीं यार, कोड सिस्टम है, मतलब वो तो पासवर्ड से ही ओपन होगा। तो गाइस अभी अपने पास है एक कैंची और एक
सूखा कपड़ा और है एक मेटल हैक्सा और हमें इस रूम में कुछ भी नहीं मिला, तो हमें इन तीनों में से किसी एक का यूज करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। गाइस इस ताले को ओपन करने के लिए तो हमें कोई चाबी नहीं मिला, शायद हम इसे मेटल हैक्सा से काट सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं काटने का। भाई ये तो काम कर रहा है। लो गाइस हमने ताले को काट दिया, अभी हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। यार ये क्या गिरा ऊपर से? तू नमाज कर रहा है यहाँ? गाइस लगता है कैनिबल को पता चल गया है कि हम यहाँ से भाग रहे हैं। और ये काउंटडाउन क्यों हो रहा है भाई? ओ अच्छा, अपने को टाइम खत्म होने से पहले केज में जाना है गाइस। ओके हम बच जाएंगे शायद गाइस। चलो जल्दी से गेट बंद कर देते हैं, ताले को भी लगा देते हैं, वो हमें नहीं पकड़ पाएगा। अपना टाइम आ गया बेसमेंट को चेक करने का। गाइस कैनिबल आ रहा है बेसमेंट को चेक करने के लिए। उसे शक हो गया है कि हम यहाँ से भाग रहे थे। भाई अब क्या होगा? क्या तुम फर्नेस रूम में गए थे? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं हिला हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोटी सी सजा दूंगा, लेकिन अगली बार अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गाइस उसने मेरे सर पे गहरा वार किया भाई। लेकिन गाइस मैं तो टाइम से केज में पहुंच गया था, फिर ये कैसे हुआ? कुछ तो है, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं हम। पता लगाना पड़ेगा दर्शकों, पता लगाना पड़ेगा। इस बार एकदम अच्छे से केयरफुली यहाँ से स्केप करेंगे भाई, कैनिबल को भनक तक नहीं लगेगा। अरे खुल जा ताले, खुल जा सिम सिम, बस आवाज नहीं आनी चाहिए वरना कैनिबल अंकल आ जाएगा। गाइस यहाँ पर कुछ लिखा है, आई नीड टू पुट एवरीथिंग बैक वेयर आई टूक इट। ओ अच्छा, मतलब कैनिबल के आने से हमें सब कुछ पहले जैसा कर देना है। तभी मैं सोचूं हमें कैनिबल पकड़ कैसे लिया था। चलो गाइस अभी इसे बंद कर देते हैं ताकि उसे पता ना चले कि हमने इसे ओपन किया था। और अभी टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि तुम्हारे भाई को सब कुछ पता चल गया है। अभी हम फुर से यहाँ से उड़ जाएंगे भाई, कैनिबल को भनक तक नहीं लगेगा। और हम घर जाकर गाना बजाएंगे, मुड़े देनी पंछी जो फ्लाई हो गए। ओके ओके, ज्यादा उड़ना भी नहीं चाहिए वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो और वीडियो को भी लाइक कर दो। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो गाइस अभी हम जो जो ओपन कर रहे हैं उसे क्लोज भी कर दे रहे हैं ताकि कैनिबल को पता ना चले कि हमने यहाँ कोई छेड़खानी की है। इसे भी क्लोज कर दिया, अब इसे ओपन किया, इसे भी क्लोज कर दिया, अब ये है लास्ट वाला भाई, इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। देखो गाइस इस बार हम कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, देखते हैं कैनिबल हमें पकड़ पाता है या नहीं। चेक कर लेते हैं भाई सब सही है या नहीं, वरना इस बार वो हमें खा जाएगा। ओके गाइस मुझे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, चलो अब ताले को ओपन करते हैं। गाइस संभल के यार, इतना आवाज क्यों आ रहा है, मुझे डर लग रहा है भाई। एक बार और चेक कर लेते हैं तसल्ली के लिए। चलो गाइस ये तो क्लोज है, हाँ सब कुछ ठीक लग रहा है भाई। दिल थाम कर बैठो गाइस, अभी हम इस गेट को ओपन करने वाले हैं। फिर से किसने आवाज किया? बाप रे भागो रे, सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। गेट भी बंद कर दिए, ताला भी लगा दिए, इधर सब कुछ पहले जैसा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फटाफट केज को भी क्लोज कर देते हैं, अब लास्ट में ताले को भी लगा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। गाइस क्या लगता है आपको, इस बार हम बच पाएंगे? मुझे फिर से लड़के की जांच करनी चाहिए, मैं आ रहा हूँ टेस्टी बच्चे। मैं कब से टेस्टी हो गया भाई, मुझे तो पता ही नहीं है। सबको खा जाऊंगा। एक सेकेंड रुको, यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया है भैया, मुझे कोई सजा मत देना। ओके ओके, सब कुछ अपने जगह पर है। देखा गाइस हम बच गए, अब हम यहाँ से आसानी से स्केप कर सकते हैं। बट यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में स्केप करेंगे। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।